147 सांसदों के निलंबन के बाद आज सपा व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। सपा ने विकास भवन तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने घेराव का राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। सांसद निलंबन मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता विकास भवन के सामने धरने पर बैठे। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। वहीं 147 सांसदों के निलंबन के विरोध कांग्रेस पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी सीतापुर के माध्यम से ज्ञापन दिया। कांग्रेस नेता पहले अम्बेडकर पार्क पहुंचे और वहां से कलेक्ट्रेट पहुंचे। मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर भाजपा सरकार के विरोधी नारा लगाया।